देखिए, सेल्फ इंडक्शन पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सो यस, पढ़ना शुरू करिए सेल्फ इंडक्शन। स्क्रीन नहीं है। ओके, एक सेकंड। पढ़िए सेल्फ इंडक्शन। Self induction is the phenomenon of inducing EMF in the self coil due to change in current and hence the change in magnetic flux in the coil. तो बताया था कि Induced EMF. बताया था इसमें लास्ट क्लास में कि खुद की कॉइल में करंट बदलने के कारण जो EMF इंड्यूस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। आगे पढ़ो। The induced EMF opposes the growth or decay of current in the coil. And hence delays the current to acquire the maximum value. Self-induction is also called inertia of electricity, as it opposes the growth or decay of current. यस, तो ये पॉइंट पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि जो सेल्फ इंडक्शन होता है कॉइल का, जैसे कि आप मान लीजिए किसी कॉइल में से करंट फ्लो कर रहे हैं, ये कॉइल में से आप करंट फ्लो कर रहे हैं, ओके, तो जो आपकी आपका मेन पोलैरिटी, मान लो ये प्लस से लेके माइनस ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे बैटरी है तो करंट की डायरेक्शन ये जा रही है, तो वोल्टेज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो लगाए गए वोल्टेज के इंक्रीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में, जो है अपोजिट डायरेक्शन में, एक ईएमएफ बन जाएगा जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट अपोज करेगी इसका, मतलब बढ़ती हुई करंट के अपोजिट में एक उल्टी करंट अपोज हो जाएगी जिससे कि मेन करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो मतलब ये अपने पीक वैल्यू को, अपने जो हाईएस्ट वैल्यू को उतना जल्दी अटेन नहीं कर पाएगी जितना जल्दी वो कर रही थी। सो ये क्या है? रुकावट है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसको हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, ये हो गया। हाँ, कहाँ थे? इधर। चलो, सो सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट अपोजेज द ग्रोथ ऑफ और डिके ऑफ करंट। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। सेल्फ इंडक्शन ये मैंने बता दिया था, फाई इज इक्वल प्रपोर्शनल टू आई, सो फाई इक्वल टू एल आई। ओके, सो करंट की वैल्यू वन रख दो तो एल इक्वल टू फाई, मतलब न्यूमेरिकली जो एल होता है वो किसके इक्वल होता है? फाई के इक्वल। ओके, मतलब कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है वो फ्लक्स के इक्वल है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स। व्हेन, जब आप कॉइल में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हो तो उस समय जो फ्लक्स क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। वी आर एल इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दस सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। क्लियर हो गया? यस सर। अब बताया था लास्ट क्लास में कि E इज इक्वल टू होता माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू रख दी अपन ने एल आई। ओके, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो इसको यहाँ कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, सो इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। ओके, तो माइनस एल और ये हो गया डी आई बाई डी टी, सो इक्वल्स टू हो गया माइनस का एल डी आई बाई डी टी। सो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। कितना आया एल की वैल्यू? एल की वैल्यू आई माइनस ऑफ ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। अगर आप यहाँ पर करेंट का चेंज, व्हाट इज दिस, दिस करेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट है ये, अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दो, जो करंट का चेंज है 1 एम्पियर कर दो, मतलब एल इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दो अगर आप करंट का चेंज। ओके, सो एल किसके इक्वल आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ ई के इक्वल। नेगेटिव ऑफ ई मतलब अपोजिंग वोल्टेज, मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। और कब, कौन से ईएमएफ के इक्वल? वो वाला ईएमएफ जो क्रिएट होने के लिए 1 एम्पियर पर सेकेंड का रेट चाह रहा होता, चेंज का, करंट का। ओके, सो क्या लिखा है? दस सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल थ्रू विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी।
ओके, यूनिटी की जगह आप लिख सो 1 एम्पियर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। बोलो बेटा क्लियर ये सब? यस सर। चलिए हो गया। अब यहाँ पे अब अपन सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट आपको बताई गई थी हेनरी, ओके। तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है कि सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है हेनरी, ओके। कैसे आई? फाइ इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल्स टू फाइ अपॉन आई। सो फाइ को नापते हैं अपन वेबर में और आई को नापते हैं एम्पियर में, तो वेबर पर एम्पियर दैट इज कॉल्ड हेनरी। वेबर पर एम्पियर को अपन हेनरी बोलते हैं। अब कोई कहे कि भैया 1 हेनरी बताओ क्या होगा, डिफाइन 1 हेनरी। क्वेश्चन बनता है डिफाइन 1 हेनरी, कि 1 हेनरी को डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन करोगे? एल इक्वल टू कितना है बेटा? फाई अपॉन आई है। तो अगर फाई को ले लो 1 वेबर और करेंट को ले लो 1 एम्पियर, तो मतलब अगर किसी क्वाइल में 1 एम्पियर की करेंट फ्लो करने पर अगर 1 वेबर का फ्लक्स जनरेट हो गया है, सेटअप हो गया उस क्वाइल से, तो उस क्वाइल का जो इंडक्टेंस होगा वह कितना होगा? उस क्वाइल का इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी, ओके। अगर किसी क्वाइल में से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर उससे 1 वेबर का फ्लक्स बन गया है, सेटअप हो गया है, तो 1 वेबर ऑन फ्लोइंग ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, देन आप कहेंगे कि उस क्वाइल का जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना? यस। सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज लिंक विद ए फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। एक तो ये है। दूसरा तरीका आप ये देख सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस उसको 1 हेनरी को समझाने का। अपने पास फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो एल इक्वल्स टू कितना है? माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ओके। तो अगर ऊपर वाला कर दो 1 वोल्ट, अपोजिंग ईएमएफ जो बैक ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो 1 वोल्ट कर दो, और नीचे का रेट कर दो 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या बोल सकते हो कि अगर किसी क्वाइल में चेंजिंग करेंट, करेंट जो चेंज हो रही है उसका रेट है 1 एम्पियर पर सेकेंड, और इतने चेंज के साथ अगर जो ईएमएफ डेवलप होता है इस चेंज की वजह से, जो बैक ईएमएफ डेवलप होता है वो कितने का है? 1 वोल्ट का है। तो जो क्वाइल का इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 हेनरी होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अगर सेल्फ इंडक्टेंस इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द क्वाइल। अगला को चैप्टर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड का हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ओके। तो ये देखो, ये आपके पास सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में कितनी करंट जा रही है? आई करंट जा रही है, यहाँ से वापस आ रही है, ओके। बेटा टाइमली नहीं आते हो क्लास में, क्या बात है? 15 मिनट लेट हो गए सर, बहुत ज़्यादा नेटवर्क ट्रबल हुआ। अच्छा, चलो ठीक है। देखो तो क्या पढ़ना आज का टॉपिक है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, किसी क्वाइल का सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, ठीक है ना? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना किसी क्वाइल का। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोल, अब कैसे निकालेंगे भाई? अपने के पास, अपन को क्या निकालना है? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करना क्या चाहते हैं अपन करना क्या चाहते हैं? अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा फाइ इक्वल्स टू एल आई होता है ना, फाइ इक्वल्स टू एल आई। देखो तो करना क्या, अपन को पहले इस चीज़ को समझो। हाँ, हमारे पास सीन क्या है बेटा? फाइ इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल टू फाइ अपॉन आई। मतलब मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, अगर उससे कोई करंट कितनी जा रही है? आई। मैं ये पता कर लूँ कि इसमें कितना फ्लक्स बंधा है, इस क्वाइल से कितना फ्लक्स गया हुआ है। तो फ्लक्स गया हुआ है, सो एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई अगर मैं करके निकाल दूँ, मतलब यदि मैं फ्लक्स में करंट को डिवाइड कर दूँ तो मेरा एल मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं फ्लक्स में करंट को डिवाइड कर दूँ तो मेरा
एल जो है मुझे मिल जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स पर यूनिट करंट निकालनी है। तो मुझे ये देखना है कि फ्लक्स कितना है, मुझे फ्लक्स चाहिए, बस फ्लक्स मिल जाए कॉइल से जाने वाला, तो मैं करंट को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर एल आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है आपके पास में, आपके पास में एक सोलेनोइड है। पूरा टोटल ध्यान रखना आपको कि मुझे फ्लक्स निकालना है। सोलेनोइड से कितनी करंट जा रही है, आई। अब थोड़ा सा पिछले चैप्टर की नॉलेज लगेगी कि जब सोलेनोइड से करंट आई जाएगी तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख दो कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई। ये बताई थी कब मैंने, जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो म्यू नॉट एन आई होता है सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। समझ के नहीं समझे बताओ, है ना। ये हो गया म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। सर आपकी वो क्या हुआ, ब्रेक हो रही है भाई, क्यों मेरी वॉइस क्यों ब्रेक होगी भाई, आपकी तरफ नेटवर्क कम होगा। हंसिका मेरी वॉइस ब्रेक हो रही क्या? नहीं सर नहीं हो रही। हाँ ठीक है, देख लो भाई वॉइस मेरी ब्रेक नहीं हो, मैं नेटवर्क है मेरे पास प्रॉपर। तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, बी इंटू ए। फ्लक्स इक्वल टू होता है बी इंटू ए। तो एक टर्न से जाने वाला फ्लक्स, एक टर्न मतलब एक धागे से, एक रोल से जाने वाला, ऐसे कितने रोल हैं, एन रोल हैं, तो एक धागे से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए, बी इंटू ए। तो बी कितना है देखो, अपन को निकालना है, तो फ्लक्स पर टर्न कितना है, बी इंटू ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। इस क्वाइल का एरिया कितना दे रखा है, ये देखो ब्लू कलर में एरिया दे रखा है बेटा, ये है एरिया ए। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, फ्लक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। तो बच्चों ये एक टर्न का फ्लक्स है, एक टर्न का। तो एन टर्न का फ्लक्स कितना होता है, मैंने आपको समझाया ना, एक टर्न का फ्लक्स एन होता है, तो एन टर्न का फ्लक्स कितना होता है, एन इंटू बी ए, बताया मैंने एन इंटू बी ए। तो n का मल्टीप्लाई कर दो, तो n का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर i इंटू ए। हाँ गलत हो गया, गलत हो गया, गलत इसलिए होगा क्योंकि एक वजह है, यहाँ पे बताता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। देखो ये अपने पास, ये अपने पास क्वाइल है, क्वाइल में करंट जा रही है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, B इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ओरिजिनल एक्चुअली जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो N है, तो आप इसको क्या कर दो, इसको कर दो B इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N आई अपॉन एल, ये कर दो आप। क्या कर दिया आपने, स्मॉल एन की जगह वैल्यू रख दी कैपिटल एन बाई एल की, तो बन गया म्यू नॉट एन आई बाई एल। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब समझो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये पर टर्न है, ये अब इसका फ्लक्स निकालो, अब फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है बच्चों, बी इंटू ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल इंटू एरिया कर दिया ए। ये क्या है, ये है एक टर्न का फ्लक्स, ये किसका है फ्लक्स, एक टर्न का, ये सिंगल टर्न का फ्लक्स है। तो हमारा जो टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स हमारे पास आएगा फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए और मल्टीप्लाइड बाई जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल एन, तो एन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए
अपॉन एल। ठीक है, बोलो समझ में आया इतना कि नहीं आया बच्चों? सर जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन की वैल्यू प्लेस की तो फिर हमने एन बाय एल क्यों नहीं प्लेस किया वहाँ पे? मैंने, अच्छा क्यों प्लेस करोगे भाई? स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। स्मॉल एन तो नंबर, जब हमने टोटल फ्लक्स निकाला तो उसमें, तो फ्लक्स को तो नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ टर्न से मतलब है ना भाई, एन और एन का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे एन बाई एल थोड़ा ना आएगा, फ्लक्स को तो नंबर ऑफ टर्न से मतलब है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? कैपिटल एन टर्न्स है। यस सर। तो एन का मल्टीप्लाई करोगे ना। आया समझ में? नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से फाई के नीचे आई को ले आओ। तो फाई के नीचे आई को ले आए तो क्या बन गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, आई नीचे आ गया, अपॉन एल। और आपको पता है कि फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया आपको, वो क्या पढ़ाया मैंने? फाई इक्वल टू एल आई। तो एल इक्वल टू कितना? फाई अपॉन आई। ठीक है ना? तो ये एल, ये एल एक्चुअली इसको स्मॉल एल कर लो, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि कैपिटल एल का सिंबल अपन ने क्या ले रखा है? सेल्फ इंडक्शन। तो इसको स्मॉल एल कर लो, ठीक है ना? इसको क्या कर लो? स्मॉल एल। तो मैं क्या कह रहा था, फाइ इक्वल टू एल आई पढ़ा है, तो एल इक्वल टू कितना हो गया? फाइ अपॉन आई। सो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन कितना आया? स्मॉल एल। तो ये है आपका क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर होगा? यस सर। हाँ, तो ये बन गया आपका क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ये देख लो, ये लिखा हुआ है ना, क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो बना वो बना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो क्या बना हमारा क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ कर सकते हो आप कि सर म्यू नॉट है, एन स्क्वायर है, ए है, नीचे एल है, सर एक एल का मल्टीप्लाई और एक एल का डिवाइड, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये होगा भैया कि म्यू नॉट ये बन जाएगा कैपिटल एन स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ए एल और यहाँ पर आ गया एल स्क्वायर। तो ये बन गया अपने पास एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ एन बाई एल का होल स्क्वायर, जो कि होता है एन स्क्वायर। क्यों? एन क्या होता है भाई? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से इन दोनों को आप मर्ज कर दोगे तो एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। तो ये है फाइनल फॉर्मूला आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। ठीक है? यस सर। सोलेनोइड, ये सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस का आपका फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, ये कहाँ चला गया? एक सेकेंड बच्चों। हाँ, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के सोलेनोइड का फाइनल फार्मूला बन गया। देख लो, नीचे लिखा हुआ है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई ए इंटू एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, और हमारा भी यही आया है, है ना? हमारा भी यही आया है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। देख लो, कर लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ। हेलो सर, एक बार वो एल की प्लेसिंग वाला बता दो। ठीक है, अच्छा ये वाला बोल रहे हो, यही चीज ना? यस सर। ओके, देखो हमारे पास जो रिलेशन आया था वो क्या आया था? हमारे पास रिलेशन आया था कैपिटल एल, कैपिटल एन के टर्म्स में ये आया था। अब दोनों में डिफरेंस जान लो भाई। कैपिटल एन क्या है? यहाँ पर कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बना है, अच्छा एक काम करो, तो जब यहाँ से स्मॉल एन है, एन बाई एल है, तो यहाँ से मैं एन को क्या लिख सकता हूँ? एन एल ले लो, लो बात ख़त्म, एन को एन एल ले लो। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? ये था फॉर्मूला, ये था। तो एक काम करो, इस एन की जगह ये जो एन है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा?
म्यू नॉट एन स्क्वायर मतलब एन एल का होल स्क्वायर ए अपॉन कितना एल, तो सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है? यस सर। ये कैंसिल, डायरेक्ट एल का वो करके रिप्लेस कर दिया ना, एन का, एन को रिप्लेस किया बेटा, हाँ एन को रिप्लेस किया कैपिटल एन को, एल का फॉर्मूले में रखा ना पर सर, हाँ एल के फॉर्मूले में रखा, हाँ जो निकाला ना एल के फॉर्मूले में रखा, तो ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर, दो एल थे तो एक एल कट गया, एक एल बच गया और एक ए बच गया, तो ये आ गया भैया फॉर्मूला आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ठीक है? यस सर। हाँ तो एल का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ठीक है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। तो क्या समझ में आ रहा है, देखो यदि अगर इस फॉर्मूले को आप देखो, ये ज़्यादा फार्मूला, ये बेहतर ज़्यादा फार्मूला ये है क्योंकि इसमें खुली खुली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस वाले फार्मूले में ये जो फार्मूला है इससे न्यूमेरिकल आपका बन सकता है इस वाले फार्मूले से, है ना, तो इससे ज़्यादा खुली खुली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आइए देखते हैं इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है इससे हमको ये सीखने को मिल रहा है कि जो कॉइल का सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्टेंस है, वो है नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, दूसरा लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और तीसरा भैया एरिया के प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, तो इसको कर लेना, ठीक ना, बैकग्राउंड में वीडियो भी बन रहा है, इसको आराम से देख करके पूरा करना। तो ये अपना है सेल्फ इंडक्शन। तो पहली प्रोसेस हो गई भाई सेल्फ इंडक्शन की। तो दो तरीके के इंडक्शन हमारे सिलेबस में है, एक है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या था, सीधी सीधी बात मैं बता दूं कि अपनी कॉइल थी और अपनी कॉइल में करंट के बदलने के कारण फ्लक्स बदला, और फ्लक्स बदला जो मेन ई एम एफ आपका जा रहा था प्लस से माइनस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ई एम एफ बन गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये ई एम एफ क्या कहला गया, ये कहला गया बैक ई एम एफ। तो ये घटना अपने ही घर में दो अलग अलग करेंट जनरेट हो गई जो मेन करेंट के बढ़ने का अपोज कर रही थी, इसको बोल रहे थे सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में केवल एक कॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल कॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। अब आओ पढ़ते हैं दूसरे टाइप का इंडक्शन जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का हिंदी मतलब होता है आपसी, आपसी आपस का, पड़ोसी का, म्यूचुअल इंडक्शन। अब पहले फीलिंग समझो इसकी क्या है म्यूचुअल इंडक्शन में। बेटा ये आपके पास एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है इसके बगल में रखी हुई, नेबर में, नेबरहुड में रखी हुई दूसरी कॉइल है। दूसरी कॉइल में ये चेक करने के लिए कि कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जिसका हमें अंदाज़ा ना हो, कोई करंट तो डेवलप नहीं हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इस कॉइल को हमने इसके सामने रखा और यहाँ पर क्या लगाया हमने, यहाँ पर लगाया ट्रिगर वोल्टेज, ट्रिगर वाला, यहाँ हमने वोल्टेज सोर्स लगाया बदलने वाला, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये लगाया और यहाँ से इस नॉब को घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊँगा, जैसे आप पंखे का रेगुलेटर घुमाते हो, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इस पे करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ। यस सर। करंट बढ़ेगी, और आपको पता है कि करंट बढ़ती है तो रस्टर साहब ने बताया था कि करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगी, तो इससे फ्लक्स भी बढ़ेगा। बोलो यस कि नो। यस सर। ये बताओ आप करंट बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो? अरे आप वोल्टेज, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो करंट भी तो बढ़ रही है, हाँ या ना? यस सर। तो करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, मतलब कैसा फ्लक्स कहलाना है यहाँ पे, चेंजिंग फ्लक्स। कैसा फ्लक्स कहलाना,
चेंजिंग फ्लक्स, क्यों आर्यन? हाँ बोलो। अब ये जो चेंजिंग फ्लक्स है ये इस कॉइल के साथ तो सेट है ही है, मगर थोड़ा बहुत इस कॉइल से भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, जिसके बगल में रखी है। तो मतलब इस कॉइल में, और आपको पता है कि जब भी फ्लक्स का चेंज होता है तो क्या बनता है? ईएमएफ। क्या बनता है? ईएमएफ। समझ में आया? यस सर। तो अगर आपका लगाया गया मेन करंट चेंज की वजह से आपका जो मेन ईएमएफ है वो इस डायरेक्शन का है, तो दूसरी कॉइल में इसके अपोजिट डायरेक्शन का एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। क्यों? इसका अपोजिट क्यों? क्योंकि इसके फ्लक्स के बढ़ने का चेंज करना है, और फ्लक्स बढ़ कर आ रही है पहली कॉइल में, और पहली कॉइल में बढ़ती हुई फ्लक्स दूसरे कॉइल से कनेक्टेड है, तो इस कॉइल में इसके अपोजिट नेचर का ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो अगर इसमें करंट यहाँ जा रही थी तो इसकी इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और कहेगी हम तुम्हारा विरोध करते हैं। समझ गए? तो आपने देखा बैंड बज रहा है दूसरे के घर में और मजे पड़ोसी ले रहा है, तो ऐसी घटना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के देख लो इस वाली कॉइल में करंट डेवलप हो गई, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट करंट डेवलप हो गई, तो ऐसी ऐसी इवेंट को अपन क्या बोलते हैं? बोलो, म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, दूसरी क्वाइल से जो फ्लक्स लिंक है, दूसरी क्वाइल से जो फ्लक्स लिंक है, ये दूसरी क्वाइल से जो फ्लक्स लिंक है, दूसरी क्वाइल का फ्लक्स मतलब फाई टू प्रोपोर्शनल किसकी करंट के होगा? पहली क्वाइल की करंट से बन रही है फ्लक्स की दूसरे क्वाइल की करंट से फ्लक्स बन रही है? सर पहली। बिल्कुल सही, बस पहली के सर। बिल्कुल सही। तो फाई टू मतलब दूसरे में जाने वाला फ्लक्स डिपेंड करेगा कि पहला वाला कितना फ्लक्स वहां से करंट कितना फ्लक्स फेंक रहा है, और वहां का फ्लक्स इस पर डिपेंड करेगा इसकी करंट पे। तो फाई टू प्रोपोर्शनल टू आई वन मतलब फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉइल डिपेंड ऑन द करंट ऑन फर्स्ट कॉइल, तो फाई टू प्रोपोर्शनल टू आई वन, तो फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन। समझ में आया? एम क्या है? कॉन्स्टेंट है, एंड दिस एम इज कॉल्ड फाई टू प्रोपोर्शनल टू आई वन। हाँ बिल्कुल सही, तो फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्वाइल, क्योंकि भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस अकेली क्वाइल का नहीं होता है, दो क्वाइल का होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्वाइल, या इसी को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? इसी को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्वाइल। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। कहाँ पर पढ़े फॉर्मूला? कहाँ पर आके बैठे हैं अभी हम लोग? हम लोग आके बैठे हैं फाइ टू दूसरी क्वाइल का फ्लक्स इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ पहली क्वाइल का करंट। चलो आ जाओ, एम इक्वल टू फाइ टू अपॉन आई वन। मतलब व्हाट इज एम? इट इज द फ्लक्स अमाउंट ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड इन द सेकेंड क्वाइल पर यूनिट करेंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी क्वाइल, पर यूनिट करेंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी क्वाइल। अब आइए देखते हैं, इफ आई वन इक्वल टू वन एम्पियर, अगर करेंट वन एम्पियर कर दो, करेंट अगर वन एम्पियर कर दोगे तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइ टू। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन दूसरी वाली क्वाइल के साथ लगे हुए फ्लक्स की, लिंक होने वाले फ्लक्स की वो वैल्यू है जितना फ्लक्स लिंक हुआ है उसके इक्वल फ्लक्स की मात्रा को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बट शर्त है, और शर्त ये है कि पहली क्वाइल में कितने एम्पियर करंट फ्लो हो? वन एम्पियर। देख लो ये वन एम्पियर है,
मतलब पहली कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होने पर दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होता है उस अमाउंट ऑफ फ्लक्स को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। पहली कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होने पर दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होता है उसको हम बोलते हैं क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। द अमाउंट ऑफ फ्लक्स विद लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन वी फ्लो ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने पर सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होता है उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसको और ज़्यादा डिटेल में देखो। फाई इक्वल टू कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी। नहीं, ऐसा नहीं देखो, इसको ऐसा नहीं देखो, इक्वल टू डीफा बाई डी टी से देखो। क्या देखा हमने? लेंज लॉ इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी। तो इज इक्वल टू, फिर गलती कर दी हमने, माइनस डी फाई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्शन थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि माइनस एल लगा दें। हाँ, इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू कितनी? एम आई वन, अभी पढ़ाई मैंने। सेकेंड कॉइल का फ्लक्स, क्योंकि अपन को सेकेंड कॉइल का ईएमएफ निकालना है कितना जनरेट हुआ है, तो फाई टू इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया आपको? एम आई वन। तो चलो, एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डी आई वन अपॉन कितना हो गया? डी टी, ये बन गया ई, और ये माइनस, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ई अपॉन डी आई वन अपॉन डी टी। एम की वैल्यू आ गई माइनस ई डी आई वन अपॉन डी टी। फिर से लिखूँगा, एम की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ई डी आई वन अपॉन डी टी। मतलब अगर आप डी आई वन अपॉन डी टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लो, तो सुनो क्या होगा। अगर इसको 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लोगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ई। मतलब किसी क्वाइल का, दो क्वाइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरी क्वाइल में जनरेट होने वाले ईएमएफ के इक्वल होता है, बैक ईएमएफ के इक्वल होता है। मगर कब? जब पहली क्वाइल से जो चेंज होने वाली करंट है वो है कितनी? 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब यदि पहली क्वाइल से 1 एम्पियर पर सेकेंड की करंट चेंज हो रही हो तो दूसरी क्वाइल में जो ईएमएफ बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोले, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। नहीं आई सर। नहीं आई। ये बताओ मुझे कि E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं होता? बोलो। यस सर। अब सेकेंड क्वाइल पे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो सेकेंड क्वाइल के फ्लक्स के चेंज की वजह से होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। क्योंकि भैया जिसका फ्लक्स चेंज होगा उसी में तो ईएमएफ आएगा, हाँ या ना? तो इसमें जो ईएमएफ चेंज हो रहा है वो फाई टू में चेंज की वजह से होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, होगा। फाई टू कितना है? एम आई वन है कि नहीं है, बताओ? क्या भैया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बस। तो ई टू ई एम एफ इक्वल टू नेगेटिव, एम बाहर कांस्टेंट है, डी आई वन अपॉन डी टी। बोलो। हाँ। यस सर। एम को रोक लो, इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन कितना? डी आई वन अपॉन डी टी। क्लियर हुआ? यस सर। अपॉन में चला गया। और अगर आप देखो, अगर आप प्राइमरी करंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड कर दो तो एम किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ई के इक्वल, अगर ये 1 के इक्वल है तो। बोलो। हाँ। यस सर। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल के ऊपर आने वाले ईएमएफ की वो वैल्यू है, बैक ईएमएफ की वो वैल्यू है जो उस समय आती है जब प्राइमरी कॉइल से करंट किस रेट से चेंज होता है? 1 एम्पियर
1 एम्पियर पर सेकेंड, बस हो गया, इतना ही है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, समझ गए? हाँ सर। अब इस चीज को पूरा जो है सिस्टमेटिकली मैं बता रहा हूँ, चलो देखो। पढ़ो हंसिका, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ बनता है ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, और किसकी वजह से बनता है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है, हैंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। और होता क्या है, जो अपनी कॉइल का जो फ्लक्स है वो वहाँ जाके बदलता है, जो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है। ये जैसे दो कॉइल रखी हुई है, प्राइमरी है और इसके बाजू में दूसरी रखी हुई है, तो प्राइमरी कॉइल से जाने वाला फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से मजबूरन लिंक होता है, अगर बदलता है प्राइमरी कॉइल से तो सेकेंडरी से भी बदलेगा। तो सेकेंडरी से जो फ्लक्स बदलेगा है किसका, प्राइमरी का, अगर वो बदलेगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। चलो ठीक है, आगे समझ में। हाँ देखो, अब ये मैंने बताया ना, देखो क्या है, 521 मैंने क्या लिख दिया, फ्लक्स ऑफ कॉइल टू, समझे ना, फ्लक्स ऑफ कॉइल टू, कॉइल टू का फ्लक्स, कॉइल टू का फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू, अब इसको 521 लिख दिया, कोई लोग 52 भी लिखते हैं, है ना, फ्लक्स 21 मतलब कि 2 में लिंक हुआ फ्लक्स किसकी वजह से, 1 की वजह से। एक्चुअली 521 का मतलब है फ्लक्स ऑन लिंक विद कॉइल 2 बिकॉज ऑफ कॉइल 1, मतलब सेकेंड कॉइल का फ्लक्स जो कि कॉइल 1 की वजह से आया है, या सेकेंड कॉइल में लिंक होने वाले फ्लक्स की वो मात्रा जो कॉइल 1 से भेजी गई है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। हाँ, तो फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल, सीधी सीधी बात है वो फाई टू, उसको ज़्यादा लोड मत लो, फाई टू समझ लो। तो फाई टू प्रोपोर्शनल टू आई वन, तो फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन, मैंने तो बता दिया था भैया। वेयर एम इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, समझा दिया। अब आई को अगर 1 एम्पियर ले लेते हो तो फाइ टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फाइ टू इज इक्वल टू एम हो जाएगा। तो अगर आई आपने 1 ले लिया तो फाइ कितना हो गया, वो हो गया। मतलब वॉट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल। लो डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 ले लो, आई की वैल्यू 1 ले लोगे तो फाइ टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। मगर कब, जब प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही हो, 1 एम्पियर, व्हेन यूनिट करंट फ्लोस थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो होने पर सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स बंधा होता है उसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब दूसरा तरीका देखिए, वही ए इज इक्वल टू डीफा बाई डी टी, वही जो मैंने कराया, ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डीफा बाई डी टी, तो मैंने करा दिया भैया E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू क्या रखवा दी मैंने अभी अभी आपको लिखाई, जो एम आई वन, एम आई वन, तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस एम बाहर और अंदर क्या आ गया, डी आई वन अपॉन डी टी। ध्यान से देख लो, यही तो लिखा है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो प्रोड्यूस होने वाला ई एम एफ है वो किसके इक्वल है, माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी। अगर आप डी आई बाई डी टी को 1 ले लें, 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें, ये देखिए डी आई बाई डी टी को आप ले लें क्या, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस एम के इक्वल। मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम इक्वल टू माइनस ई, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस ई एम एफ की वैल्यू के इक्वल होता है, कौन सी कॉइल वाले, सेकेंड कॉइल वाले, क्योंकि ई एम एफ किस पे इंड्यूस हो रहा है, सेकेंड कॉइल में। म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंड कॉइल में इंड्यूस हुए ईएमएफ की वैल्यू को इक्वल होता है, जबकि पहली कॉइल में से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या है, यूनिटी है। दस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ सेट इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी, जबकि प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या है, यूनिटी है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी।
है ना। अब कोई कहे भैया 1 हेनरी क्या होता है, तो दो डेफिनेशन बना दो यहाँ से। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, दो चीज़ें पढ़ी ना, एक तो पढ़ी फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन, तो एम इक्वल टू क्या कर दो, फाई टू अपॉन आई वन, दोनों को 1-1 ले लो। करंट प्राइमरी कॉइल में कितने एम्पियर, 1 एम्पियर, और फ्लक्स कितना सेकेंडरी कॉइल में, 1 वेबर। मतलब डेफिनेशन बनाओ कि प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर अगर पड़ोस वाली कॉइल में 1 वेबर का फ्लक्स अगर इससे चपक जाए, इसका मतलब इन दोनों के बीच की जुगलबंदी का जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो कितने हेनरी है, 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेट टू बी 1 हेनरी वन एम्पियर करंट फ्लो करने पर प्राइमरी कॉइल में 1 वेबर का फ्लक्स लिंक हो जाता है किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ। बिल्कुल सही। दूसरी वाली डेफिनेशन यहाँ से बना लो, क्या आएगा बेटा, एम इक्वल टू ई टू अपॉन डी आई वन बाई डी टी। हाँ ये देखो यहाँ से बन जाएगी, इसको 1 कर दो और इसको भी 1 कर दो, तो एम आ जाएगा 1 हेनरी। मतलब अगर प्राइमरी कॉइल से जो करंट का चेंज हो वो कितने एम्पियर पर सेकेंड हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ये देखो ये बना हुआ है कि प्राइमरी कॉइल से 1 एम्पियर पर सेकेंड का चेंज करने पर अगर सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट इंड्यूस हो जाए, मतलब ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, उस समय जो दोनों कॉइलों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा भैया, 1 हेनरी। तो क्या बनेगा आंसर, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी कॉइल। समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब लास्ट डेरिवेशन इस चैप्टर का है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। दो सोलेनोइड, अगर दोनों सोलेनोइड आपने लपेट दी हैं तो उनका सर ये चैप्टर बस खत्म, लास्ट डेरिवेशन ही चल रहा है भैया, अपन लोग बहुत वक्त से आगे ही चल रहे हैं, लास्ट डेरिवेशन है, चैप्टर खत्म, ये लास्ट एक ही क्लास का बचा था। चलिए तो अभी अपन ने सिंगल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, अब दो कॉइल हैं आपके सामने, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर लिपेड़ी गई हैं कॉइल, पहले ये प्राइमरी कॉइल और इसके ऊपर दूसरी कॉइल। अब आप कहोगे सर ऐसे तो शॉर्ट हो जाएंगी दोनों कॉइल, तो बेटा मैंने तुमको बताया था कि दोनों कॉइल में हम लोग एक मटेरियल लगाते हैं थिनर, जैसे नेल पॉलिश छुटाने वाला आता है पतला सा, है ना, नेल पेंट टाइप का एक मटेरियल आता पतला सा, तो दोनों कॉइल को, तो मतलब दोनों कॉइल के ऊपर लगा दोगे जब मटेरियल, तो उनको चिपका भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में हल्का सा इंसुलेशन छपा रहेगा। तो एक कॉइल प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, एक दूसरे के ऊपर आपने दोनों को लपेट दिया। पी मतलब प्राइमरी ब्लू कलर की और एस मतलब सेकेंडरी कॉइल, और ये लगा दिया सेकेंडरी कॉइल पे गैल्वेनोमीटर। क्यों भैया, सेकेंडरी कॉइल को आप थोड़ा ना करंट दे रहे हो, सेकेंडरी कॉइल में तो आपको फल देखने को मिलेगा, मेन करंट अपनी यहाँ जाएगी और पड़ोसी कॉइल ये है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। चलो अब ये देखो, ये कॉइल की लेंथ कितनी है, एल, कॉइल की लेंथ है एल, कॉइल का एरिया कितना है ए, पहली करंट यहाँ से आई वन गई और आई वन यहाँ से आ गई, तो पहली कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बच्चों, फर्स्ट कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था कितना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो पहली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, एन वन, और करंट कितनी जा रही है, आई वन। अब ध्यान से देखना, बाद में नहीं पूछोगे भैया, एन वन मतलब क्या, कैपिटल एन वन अपॉन एल वन, मतलब पहली कॉइल के फेरे अपॉन पर यूनिट लेंथ, लेंथ तो एल ही है तो एल वन करने की जरूरत नहीं, उसको एल ही कर दो क्योंकि दोनों कॉइल की लेंथ सेम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्यों आर्यन बोल बेटा? यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या सर समझ में आ गया? हाँ आ गया। अब सेकेंड कॉइल से जाने वाला फ्लक्स निकालो बेटा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, देखो बेटा बी टू फाई टू इक्वल टू बी इंटू ए। अब आर्यन मेरे को ये बताओ,
कि सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स बनेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस वाले का अप्लाई होगा, प्राइमरी कॉइल वाले का कि सेकेंडरी कॉइल वाले का, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जा रहा है? फिर से पूछना सर। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स जो जा रहा है उसके अंदर किसका मैग्नेटिक फील्ड घुसा हुआ है, पहली वाली का कि दूसरी वाली का? पहली वाली का। बिल्कुल सही। तो फाइ इक्वल टू क्या आएगा बोलो, बी वन आएगा कि बी टू आएगा? बी वन आएगा। बिल्कुल सही, बी वन इंटू ए। तो बेटा फाइ इज इक्वल टू एक टर्न से जाने वाला फ्लक्स, एक टर्न से मतलब एक छल्ले से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, बी वन इंटू ए। बी वन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, म्यू नॉट एन वन एल वन इंटू ए, ये देखो आई वन इंटू ए, ये देखो ये वाली वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू म्यू नॉट एन वन आई वन और एरिया की जगह कितना ए, लो एन वन की जगह कितना आ जाएगा, एन वन की जगह कितना आ जाएगा, कैपिटल एन अपॉन एल। ये ऐसा लिखा है कि आप थोड़ा सा भौचक्के हो रहे होगे, मैं इसको सही लिख देता हूँ, म्यू नॉट कैपिटल एन वन इसको अपॉन कर लो एल और करेंट ज्यों की त्यों आई वन। ये देखो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, एन वन की जगह एन वन अपॉन एल और करेंट की जगह आई और ये एरिया तो ये ए। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ यस सर। हंसी का ये बता बेटा, ये कितने छल्ले से जाने वाला फ्लक्स है सर? ये है नंबर ऑफ सर, ये एक से जाने वाला है। वेरी गुड। तो एक छल्ले से जाने वाला फ्लक्स है और सेकेंडरी कॉइल में टोटल कितने छल्ले हैं? पहली वाली कॉइल में मान लो एन वन है तो सेकेंडरी कॉइल में टोटल एन टू है, तो सेकेंडरी कॉइल में टोटल कितने छल्ले हैं बोलो? एन वन प्लस एन टू। गलत। क्यों होंगे, प्लस क्यों कर रहे हो, एन टू होंगे। एन टू होंगे। तो जब एक छल्ले से इतना जा रहा है तो एन टू के लिए जस्ट एन टू का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बाकी सब कुछ है, केवल एन टू आ जाएगा। तो म्यू वन जिंदाबाद, एल वन जिंदाबाद, ए भी है अपॉन में एल भी है, केवल एन वन एन टू आ गया। आ गया? यस सर। हाँ तो देखो यहाँ से क्या आ गया, फ्लक्स की वैल्यू फाइ टू इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू, म्यू नॉट एन वन एन टू ए इंटू आई अपॉन एल। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ अब एक काम करो, बताओ मैं जुगाड़ से फाइ टू के नीचे आई को ले आऊँ तो यहाँ क्या बनेगा, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। फाई अपॉन आई को क्या बोलते हैं, फाई टू अपॉन आई को, मतलब करंट किसकी, पहली कॉइल की, और फाई टू अपॉन आई वन नहीं एम, एम कहलाएगा फाई। हाँ ये क्या कहलाएगा, एम। तो देखो ये होता है तो फाई टू अपॉन आई वन क्या हो जाएगा, एम। तो ये जो डेरिवेशन है ये बस लाइन लिखना, इसके बाद ये लाइन लिखना, सो फाई टू वन अपॉन आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल। अरे ये सब कोई मतलब नहीं है, सीधे एम बोलते हैं इसको। सो फाई टू अपॉन आई वन इक्वल टू होता है एम। तो बच्चों एम का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल। बेटा नोट करो जल्दी से थोड़ा सा इसको, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। यस सर। डन डन। हाँ सर। चलो ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से और सिस्टमेटिकली करवा रहा हूँ। चलिए तो फाइव टू वन इज इक्वल टू फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉइल बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल इक्वल टू, जैसा फाइव टू वन होता है वैसा एम टू वन इंटू आई वन। तो ये हो गया मेन, अपने पास डेरिवेशन कितना आ गया, म्यू वन अपॉन एन वन एन टू इंटू एल। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या जुगाड़ करी इन लोगों ने, एन वन इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एन वन अपॉन एल। तो एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन इंटू एल, और एन टू इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू इंटू एल। बस वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है भैया, म्यू वन है ना, म्यू वन एन वन की जगह क्या आएगा, ये था अपना फॉर्मूला, यहाँ तक आ गए थे अपन, यहाँ तक आ गए थे। तो एन वन की जगह क्या आएगा, देखो बेटा एन वन एल, एन टू की जगह क्या आ जाएगा, एन टू एल।
एरिया की जगह एरिया और नीचे एक एल बैठा था, तो एल से एल कैंसिल। चेक करो आंसर कितना आया, देखो ये देखो आएगा यहाँ पे, ये बचा है तो म्यू नॉट एन वन एन टू ए इन टू एल। नोट करो ये हो गया फ्लक्स की वैल्यू एम वन टू। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। नोट कर लो। सर 9 बजे से क्लास है। अच्छा ठीक है, बस हो गया, चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ठीक है, इसको रेस कर दूं? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, लास्ट लाइन लिखिए। हाँ तो देखो ध्यान से क्या समझ में आ रहा है कि फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एंड लीड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब क्या है, पहली कॉइल का दूसरी कॉइल पर जितना इंडक्शन का इफेक्ट पड़ेगा उतना ही दूसरी कॉइल का फर्स्ट कॉइल पर पड़ेगा। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि M इक्वल टू दोनों के लिए सेम होगा, M12 या M21। मैंने शुरुआत से ही यहाँ पे देखा होगा ना आपने, फाई टू वन मैंने ले लिया था, मैंने फाई टू ही लिया था क्योंकि दोनों, चाहे पहली कॉइल का दूसरे पर देखो चाहे दूसरी कॉइल का पहले पर देखो, वो सेम होता है। तो बस ये छोटी सी लाइन है, कभी पूछ सकता है कि बताइए फर्स्ट का सेकेंड पर और सेकेंड का फर्स्ट पर क्या अलग होता है? नहीं, दोनों का सेम होता है, जितना इंडक्शन फर्स्ट का सेकेंड के साथ बनता है उतना ही सेकेंड का फर्स्ट के साथ बनता है। चलिए अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मान लो एक कॉइल बड़ी है और दूसरी छोटी है तो एरिया किसका यूज़ होगा? आंसर छोटी वाली कॉइल का, क्योंकि कॉमन एरिया यूज़ होगा छोटी वाली कॉइल का। ठीक है, अब परमिबिलिटी अगर रख दी है तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाता है, म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, ये तो पहले भी पढ़ा है, तो बस म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट म्यू आर आ गया, यहाँ छोटा एरिया आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है ना, एक कोफिशेंट ऑफ कपलिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको छोड़ दो कोई काम का नहीं है। हाँ लास्ट चीज, अगर इंडक्टर सीरीज में हो तो कॉमन इंडक्शन होता है बेटा L इक्वल टू L1 प्लस L2, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है तो इंडक्शन भी जुड़ेगा, और पैरेलल में वोल्टेज नहीं जुड़ता है ना, तो 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। भैया चैप्टर फिनिश हो गया पूरा, यहीं तक करना था। बोलो भाई हंसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहीं तक करना था। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोग नोट्स बना करके इसके प्रॉपर मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। थैंक यू बच्चों। सर निशांत आया? क्या निशांत आया? निशांत अभी नहीं आया, आज नहीं आया ना निशांत, ठीक ना, कहाँ गया है, कहीं बाहर गया है क्या?